2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां इन दिनों तमाम पार्टी कर रही हैं। ईटीवी भारत रियलिटी चेक कर रहा है। हम गांव-गांव जाकर अलग अलग स्थानों पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि उनके जनप्रतिनिधियों ने कितना विकास कराया, क्या यहां के असल मुद्दे थे और कितना विकास हुआ है, कितने लोग संतुष्ट हैं। इसी बारे में आज हम आए हैं कुडला गांव में, जो कि मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का गांव है और यहां से सोमेंद्र तोमर बीजेपी के विधायक हैं। गांव के लोगों से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के लोग क्या इस पर कहते हैं, क्या उनकी राय है, क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीन। क्या मुद्दे थे जब पहले चुनाव हुआ 2017 में और कितना यहाँ बदलाव हुआ, क्या आप चाहते थे, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ? काम तो अब से पहले किसी विधायक ने निकला, जो विधायक जी ने हमारे गांव को दिए, 3-4 रास्ते दिए हैं हमारे गांव के लिए और जो भी है छोटे मोटी जरूरत वो करा रहे हैं जी। 2-3 रास्ते दिए हैं, जैसे हैं पंचायत घर बनवाया विधायक जी ने जी। हमारे गांव में सबसे पहले पंचायत घर बना है, चौहान ने पास करा रखे हैं, उनके लिए 43-42 लाख रुपये जो विधायक जी ने पास करा रखा, काम चालू है, विकास बढ़िया कराया, बढ़िया आदमी जी। क्या कहेंगे कि और क्या ऐसा होना चाहिए था जो नहीं हो पाया अभी? बस ये है कि ये दो चार रास्ते हैं, ये अधूरे हैं, आपके देखो विकास होगा। गाड़ी को महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना है? महंगाई तो है, खैर जैसे जैसे अगाड़ी को देखो कम होती चली जाएगी। क्या जैसे महंगाई है और उसके बाद भी क्या आप आगे किसे चुनेंगे, क्या इसी सरकार को चुनना चाहेंगे? हाँ, इसी के साथ जाएंगे। क्या नाम है आपसे जानना चाहेंगे, आपके जो विधायक है कितना काम कराया और क्या आप कहेंगे? विधायक के नाते कहीं आते हैं काम से, जब देखेंगे जी। जब इसकी बात देश को हमें तो इतना पता, मोदी ने नू कही कि झोला लेकर चल दूंगा जब कोई ऐसी बात आएगी। उनने तो झोला लिया ला, पर हर आदमी के हाथ में झोला है जी। तो संकट है, संकट आवाज आपका आगा, संकट तो संकट, आदमी परेशान जी। जैसे यहाँ आपके क्षेत्र की अगर बात करें, क्या विकास आप चाहते थे? क्या विकास तो बल्कि झुंडो में आदमी परेशान है, विकास के चक्कर में कर रहे हो, यहाँ खाने कमाने का तो हिला, रोजगार भी खत्म कर दिया इनने सरकार ने, तुम बात क्या कर रहे हो? सरकार अरे मीडिया भी उसकी है, चुनाव आयोग भी उसका, हर आदमी तो उसका, गरीब आदमी क्या करेगा बताओ? गरीब आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, गरीब आदमी कहाँ तक जाएगा? कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट में खरीद लेगा। हर नेता कोई भी उसकी सरकार का है, उसको पहले ऐसा कर देता पक्का कि अभी अलग सुन पहले का 300 से ऊपर है, बताओ उसकी 300 से ऊपर पहले बता देगा कोई? अखिलेश यादव तो 400 बता रहे हैं, कई बोर्ड लिखा देखा उनके, तो बोर्ड जी के जी के लिखा, तुम्हें एक 1000 बोर्ड दिखा दी यूपी यूपी में, जो 300 ऊपर है आपके क्षेत्र में विकास किया? अरे विधायक यहाँ आया है ना, विकास जब करेगा। क्या चाहते थे, क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? भैया हमारी नजर पर कुछ ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं और जनता रिपोर्ट कार्ड बता रही है अपने विधायक बेटा छोटो हटो। अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, यहाँ के विधायक ने क्या कुछ कराया? ठीक है। और सरकार से कितने आप खुश हैं, सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छी है। महंगाई महंगाई तो है, क्या क्या लगता है कैसे फिर इस बार भी यही आएगी या कुछ बदलाव हो सकता है? बदलाव हो सकता है, देखो कुछ नहीं आएगी, जनता अगर उसको कुछ नहीं पता तो कोई नहीं आएगी, जिसके जैसे होते हैं यही गलत। आपसे क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? इंसाफ अली। इंसाफ बताइए, कितना इंसाफ मिला जनता को? इंसाफ भी नहीं मिला जी। क्या क्या दिक्कतें थी, क्या यहाँ के मुद्दे थे, कितना उन पर काम हो पाया जी? महंगाई की दिक्कत बढ़ रही है, नौकरी तो जिनकी लग रही इनकी बैठ गई, लगने की तो दूर की बात। विधायक जी का क्या नाम है आपके का और उन्होंने कितना काम कराया? सोमेंद्र तोमर, विकास तो इन्होंने कराया, क्षेत्र में हुआ काम करवाया हमारे गांव में जी। लेकिन जो आप क्या कहोगे कि मतलब क्या आप चाहते थे सरकार क्या करे, सरकार ने जो वायदे किए वो कितने पूरे आपको होते हैं? विधायक जी ने तो वादे पूरे करे पर सरकार ने कुछ नहीं करा। सरकार से नाखुश हैं आप? नाखुश। क्या कहेंगे, क्या बदलाव होगा? मुश्किल है बदलाव, मुश्किल है बदलाव। इंसाफ कह रहे हैं कि बदलाव तो मुश्किल है लेकिन काम उस तरह से सरकार ने नहीं किया। आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहरवान है जी। मेहरवान जी, आप भी बताइए, क्या कुछ सरकार ने ऐसी मेहरबानियां की, क्या कितने हालात यहाँ के सुधरे या नहीं सुधरे जी? बेटा सब महंगाई महंगाई महंगाई, किसान का माल मंदा जा रहा है, बहुत मंदा जा रहा है,
और अपना जो बेच रहे हैं वो सब महंगा महंगा मिल रहा है। हाँ जी, अब बहुत ज्यादा दिक्कत है सरकार की तरफ से। क्या मान के चल रहे थे कि जब सरकार जब 2017 में आई थी, ये पहले जिस तरह से वायदे कर रहे थे, वायदे तो पूरे नहीं हो पाए हैं, पर देखो उम्मीद है अगर हो सकता है वो वायदे तो पूरे नहीं हो रहे, पर जो विधायक जी हैं इन्होंने हमारे यहाँ पर काम करा दिया है। हाँ जी, क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? इस बार तो देखो सरकार पता नहीं पब्लिक जनता का किधर को रुक हो जाए, ये तो मालूम किसी को नहीं। आपका क्या कहना, आपको क्या लगता है? सर मालूम कहना तो यह ही है सर कि सरकार दूसरी होवे। हाँ जी, आपसे भी जाना चाहिए। हो जाओ भैया, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आपके क्षेत्र में काम हुआ, पहले कैसे हालात थे, अब कितना हालात बदले या नहीं बदले? हालात तो सही हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, हम भी विधायक जी सही करवा रहे हैं काम तो, लेकिन डीजल पेट्रोल क्या होगा इसका, इसका तो बताओ कुछ। छोटे से किसान है, थोड़ा सा काम करे, डीजल बहुत महंगा लेना पड़ रहा, इसके बारे में दिक्कत है, बाकी यहाँ चलो चल ही रहा है, परेशानी उसे कोई भी नहीं बोल रहा, क्या वजह ऐसी है? अच्छा, क्या लगता है कि कैसे चेंज हो सकती है चीजें, कैसे सुधरेंगे? देखो जी, जो कमी पब्लिक निकाली, जनता निकाली इस चीज़ को, तो जनता के हाथ में, जनता के मन का, हम जनता के मन की ही तो बात जान रहे हैं, जनता के मन की बात ही है, सरकार बदलेगी, जनता के मन की बात हम जान रहे हैं। आपसे ज़्यादा हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना है। आप भी बताइए, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपके असल मुद्दे, कितना काम हुआ? भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और गोदा का उसको मनाया कार्यकारिणी सदस्य। ये जो हमारे विधायक जी सम्मिलित तोमर है, इन्होंने विकास करा रहा हूँ, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने काम किया, अब एक रास्ता और पास करा रखा, दो रास्ते को उनका प्रस्ताव दे रखा है, हो सकता है कि चुनाव के टाइम तक हो सकता है हमारे करीब 80-85 लाख रुपये का काम विधायक जी करा सकते हैं। और जब भी हम कभी जाते हैं, वो बड़ा मान सम्मान करते हैं बेचारे, और काम के लिए पूछते हैं। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये तो हमारे हाथ में थोड़ी है, विधायक के हाथ में थोड़ी है, महंगाई बढ़ना ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। विधायक से संतुष्ट? हाँ बिल्कुल संतुष्ट। सरकार से? सरकार तो योगी का अच्छा है, क्राइम बढ़ी बढ़ाई नहीं, आज कम हो रहा, जितने भी बदमाश थे माफिया है। जब क्योंकि बीजेपी से अल्पसंख्यक मोर्चा साहब जुड़े हैं, तो क्या लोग आपसे समस्या नहीं रखते महंगाई? रखते हैं, महंगाई रखते हैं, लेकिन मैंने भी आगे पहुँचाई बात, उन्होंने कहा एकदम भैया थोड़े थोड़ा होगा, लेकिन विधायक जो है हमारे बहुत ही बहुमूल्य क्षेत्र में काम करता है, हमारा इतना है, वो जात बेजात को नहीं पूछता, कुछ भी तो विकास को करता है, कोई भी आदमी जाओ विकास के लिए काम करता है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में विकास हुआ, और सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे आप क्या कहेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट का दोबारा आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? हमारे जो क्षेत्र के विधायक है माननीय सुमंदर, उन्होंने इतना विकास कराया अपनी विधानसभा में, इतना विकास कराया कि दोबारा भी वही आएंगे, सरकार चाहे किसी की भी आए लेकिन विधायक वही बनेंगे विधान इस मेरठ की विधानसभा से। और रही सरकार की बात, लोग महंगाई को देखकर ही परेशान है सरकार से कि सरकार दूसरी आनी चाहिए, दूसरी आनी चाहिए, लेकिन समीकरण ये बन नहीं रहे कि सरकार दूसरी आ जाए, सरकार यही लग रहा है कि दोबारा यही वापसी करेगी सरकार, समीकरण इसी सरकार का दोबारा बन रही है, इसी सरकार के समीकरण दोबारा बन रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं, लोग ये भी बता रहे हैं कि महंगाई खूब बढ़ी है, वहीं जो नेताओं की जो अपनी अलग अलग राय है। फिलहाल ईटीवी भारत ने यहाँ मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर यहाँ जनता से बात की है, यहाँ हमने आपको यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ के क्या असल मुद्दे थे, कितना उन पर सरकार काम कर पाई। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं और कुछ लोग सरकार से संतुष्ट नजर आते हैं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।